हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। इस बार एक नया ही टॉपिक है। आपने सुना होगा कि अभी देवसैनी एकादशी आने वाली है। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान सोने जा रहे हैं। इस मौके पर कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ माना गया है। इनमें से कई पौराणिक कथाएँ प्रचलित हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ना ही विवाह, ना ही गृह प्रवेश। 4 महीने सभी शुभ कार्यों को निषेध माना गया है। इसको लेकर आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये 4 महीने शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मान्यता के अनुसार इन 4 महीने भगवान विष्णु सोते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु को इतने लंबे समय के लिए सोना क्यों पड़ा, या फिर उनके 4 महीने सोने के पीछे का रहस्य क्या है। जानेंगे इससे जुड़ी पौराणिक कथा के माध्यम से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो टाइम से मिलती रहेगी। अब बात करते हैं पौराणिक कथा की। जी हाँ, कब सोते हैं और कब जागते हैं भगवान विष्णु। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए सोते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए सोते हैं उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ और मकान की नींव डालना जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि इस वर्ष ये जो 4 महीने हैं उनकी जगह 1 महीना एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि इस बार अधिक मास होने के कारण भगवान विष्णु के सोने का समय 5 महीने का है। बात करें पौराणिक कथा की, तो पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। उस समय भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आसमान को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखें, तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवाया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वहीं राजा बलि के दानशीलता और भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। विष्णु के पाताल जाने पर सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्तों को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, यानी कि 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए ये 4 महीने भगवान विष्णु योग निंद्रा में रहते हैं। वही वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। एक अन्य कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु का शंखचूर नामक एक राक्षस से युद्ध हुआ था। उस युद्ध में राक्षस मारा गया था। वहीं इस युद्ध में भगवान विष्णु बहुत थक गए थे, तो उन्होंने अपना काम भगवान शिव को सौंपकर योग निद्रा में चले गए। इन 4 महीने भगवान शिव ही भगवान विष्णु के पूरे कार्य देखते हैं। तो ये है पौराणिक कथा के अनुसार मान्यताएं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।